हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ज्यादा कि हम सबको मालूम ही है कि नेपाल के रवि लमिच्छा में जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, उनकी पार्टी जो है जेपन दूसरे इलेक्शन जीत चुकी है। और जीतने के बाद एक वीडियो सामने आया कि रवि लमिच्छा में ने इंडिया को चैलेंज किया है। भाई क्या चैलेंज किया है, क्या वार्निंग दी है उन्होंने इंडिया को, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं देखा हूँ वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, नेपाल रवि लमिच्छा में चैलेंज टू इंडिया, एट्रोसिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, नेपाल स्टोन पेंटिंग इन इंडिया। अब ये क्या चीज़ है पूरा जानेंगे हम इस वीडियो में, देखते हैं पूरी वीडियो को, उसके बाद ही कुछ हम कहेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। चलिए देखते हैं इनके पास पूरा ज्ञान है कि नहीं। जो वीडियो में देख रहे हैं हम कमाल है यार, कि यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंगुर, आप देख रहे हैं कमालया। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच एक विवाद को लेकर। जहाँ दोस्तों नेपाल के जो स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी कि रवि लमिच्छानी हैं, उनका एक बहुत ही खतरनाक सा स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, या तो दिल्ली में मीटिंग करें या फिर दाराचुल्ला में मीटिंग करें। दोस्तों सवाल ये उठता है कि फिर कौन से अत्याचार की बात की जा रही है रवि लमिच्छानी के द्वारा। दोस्तों बात ये उठती है कि अत्याचार किस तरह के हो रहे हैं, और लोग सह भी रहे हैं या फिर नहीं भी सह रहे, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब दोस्तों अगर अत्याचार हो रहे हैं तो वो सहना हमारी भी गलती है, तो नहीं भी सहने चाहिए, और ये आवाज सही भी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे बातें हो रही हैं और किस तरह का विवाद ये दोबारा से छिड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये विवाद कोई अब का नहीं है। दोस्तों कई यहाँ पे जो इंडिया के रिपोर्टर्स थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि नेपाल बाढ़ ला रहा है भारत के अंदर, और ये है यहाँ पे काली नदी का सब कुछ। मैं आपको बता दूं कि धाराचुला में भारतीय पक्ष की जातियों के खिलाफ नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिच्छानी ने आक्रामकता दिखाई है, और भारत द्वारा जो धाराचुला मुख्यालय के अंदर यहाँ पे खंगला में नेपाल भारत सीमा पर पुल बनाया जा रहा है वो एक तरफा रोक दिया गया है। उसका भी कारण बताएंगे, लेकिन उस रोक के लिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भारत को इस तरह से एक तरफा रोक नहीं लगानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इसके अंदर मीटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों, इसका भी एक बड़ा रीजन है दोस्तों। रीजन ये है कि जब ये पुल बन रहा था तब एक नेपाली लड़का बच्चा मारा गया था। वो जैसे भी इस इंसिडेंट के कारण या फिर कुछ भी कहें, यानी कि उसमें गलती तो कहीं ना कहीं कंपनी की ही थी, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर उससे पहले भी बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वो पानी को रोका जा रहा था जिसके कारण नेपाल की तरफ बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए भी यहाँ पे दंगे होने थे। अब इसीलिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये चीजें और ज्यादा ऊपर उठकर आई, और कल ही हमने देखा था कि एक यहाँ पे पथराव हुआ नेपाल की तरफ से, नेपाल के लोगों ने पत्थरबाजी की जिसके कारण कुछ लोग घायल भी हो गए भारत के, और यहाँ पे जो कामगार थे जो काम कर रहे थे उन्हें काम रोकना पड़ा इस चीज को देखकर, और ये चीजें कई दिनों के लिए यहाँ पे रोक भी दी गई है। अब यहाँ पे जो रवि लमिच्छानी है उनका कहना है कि भारत को यहाँ पे जो युवा हैं, चाहे वो नेपाल के हो चाहे वो भारत के हो, इतना ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने सही बात कही है। एकदम मसले का हल निकालना है तो किसी स्टीक ढांचे की तरफ चलना पड़ेगा हमें, तभी ये यहाँ पे मसले का हल निकलेगा। उन्होंने फेसबुक पर यह भी लिखा है कि महाकाली नदी में तैरते हुए तुइन कट जाता है, और 33 वर्षीय जय सिंह धामी महाकाली नदी में गिरकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जो कि पहले की घटना है। और उन्होंने यहाँ पे ये बताना चाहा है कि ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार हुई है, और वो क्यों हुई है इसका रीजन सभी को पता होने के बावजूद भी कोई बोल क्यों नहीं रहा है। वहीं महाकाली नदी के किनारे सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट पत्थर की चोट में आने के कारण 9 वर्षीय बालक पवन मेहर की मौत हो जाती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रही है कि ये गलत हो रहा है और इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। महाकाली के प्रवाह को यहाँ पे नेपाल की तरफ धकेल दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं वही बात हो रही है कि जो पुल बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे दीवार खड़ी करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं करी तो इसलिए जा रही है क्योंकि बाढ़ की संभावना एक की बार यहाँ पे आ चुकी थी, जो
तटवर्तीय इलाके थे काली नदी के उसके अंदर, तो इसका नुकसान अब यहाँ पे नेपाल क्यों झेले, ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। कंक्रीट ढांचे का निर्माण जो किया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे ना केवल भारत को टारगेट किया है रवि लामी छानी ने, जबकि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही, प्रशासन क्यों नहीं कुछ बोल रहा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी आत्मरक्षा करें, हमारे नागरिकों की रक्षा करें, हमारे देश के अंदर खुशहाली लाएं। और उसका यहाँ पे इतना तो है कि हम हमारी जमीन के लिए तो बोल सकते हैं, हमारे लिए तो बोल ही सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैटर करती है। लेकिन इस इन सभी के बावजूद दोस्तों, ये जो यहाँ पे कहा गया है कि इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन सेट किया जाए और उसके लिए हमें मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, या तो दाराचूला में आप आइए या फिर हम दिल्ली में आए, आप किसी भी एक समझौते पर यहाँ पे हमें कहिए, जिसके अनुसार हम इसका आगे बढ़ा सकें, इस समस्या से निपटारा पा सकें। और जो यहाँ पे तटवर्तीय इलाके हैं जिसके ऊपर भारत और नेपाल के लोग पास पास रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं, समृद्धि के साथ रहते हैं, उनके भाईचारे में कोई प्रकार की ठेस ना पहुंचे। सही है दोस्तों, ऐसा जैसे कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया रवि लामी छाने का पूरा वीडियो हमने देखा, ये जिसमें कि लिखा हुआ था कि नेपाल के रवि लामी छाने ने दिया है इंडिया को चैलेंज, चुनौती दी है। तो यार टाइटल और थंबनेल देखिए कितना भयंकर बनाया हुआ। बाकी में जो मुद्दे की बात ये है वो है कि मतलब एक्चुअली में जो दोनों देशों की पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग रिलेशन खराब करते हैं, अपने रिलेशन को बैक पीछे पीछे पीठ पीछे लोगों के जनता के पीठ पीछे वो अपने रिलेशन अच्छे करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते भड़वाते रहते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। जैसे इसमें होता है कि महाकाली नदी को नेपाल की तरफ ढकेल दिया जाता है, पानी रोक दिया जाता है, जिससे बाढ़ की संभावना होती है, तो इन सब चीज़ों का हल होता है, बैठ के बातचीत करनी होती है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या चीज़ हुई है। तो इनके पास पूरा ज्ञान तो है नहीं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, तो पूरा ज्ञान बटोर के लाएँ, फिर वीडियोज बनाएँ, ऐसे कमेंट भी आते हैं लोगों को, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। पहली बात तो दोनों देशों के बीच का रिलेशनशिप नहीं खराब होना चाहिए। दोनों हिंदू देश हैं, दोनों देशों में हिंदू लोग रहते हैं, आपस में बातचीत अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, रिलीजन एक है, फेस्टिवल्स एक हैं, तो क्यों उसके अंदर बीच में फूटा। मैं तो बस ये कहूँगा नेपाल की जनता से और इंडिया की जनता से कि आपस में रिलेशनशिप अच्छे से बरकरार रखें, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको आपस में सुलझाएं, आपस में उसको समझ समझ के प्रॉब्लम का हल निकालें। ऐसा नहीं है कि हम आपसे नफरत करते हैं तो हम उधर बाढ़ ला देंगे, आपसे नफरत करते हैं तो आप हमारे यहाँ भूख ला देंगे, तो ये बहुत ही गलत है। इल्जाम लगाना दोनों देशों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। मैं तो बस ये कहता हूँ। बाकी आप क्या राय है वीडियो को लेकर के, अगर मुझसे आपको कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी राय गलत लगती है सही लगती है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आज की बात नहीं, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने प्यारी में बरकरार रखी और मुझे सपोर्ट करते हैं जितने और अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सही नाम जाता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।